अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, आप सब कैसे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से। आज मैं आपको स्पेशली ये बताऊंगा कि जब स्किन जल जाती है, जलने के बाद उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना भी हो, कोई जल जाए, आग से जल जाना, दूध से जल जाना या किसी भी चीज़ से जल जाना, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए या उसकी साफ़ सफाई या पट्टी वगैरह बैंडेज किस तरीके से कैसे करनी चाहिए, इसकी मैं एक वीडियो आपको स्पेशल दिखा दूंगा। और साफ का जो सही तरीके का है वो भी मैं इस वीडियो में आपको स्पेशली एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर सारे डिटेल तसली से बताई गई है। बताने का क्या है बल्कि दिखाई गई है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको तसली से समझ में आ सके, आप उसको देख सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये वीडियो है वो। तो दवाई ना रफाल फाइल की दे ऐसे ही हो रही है। कार्ड हाँ कार्ड देते हैं बाहर हेट वाले गेट पे बड़ो मिठो हों हमारा हथ लोटा यार कंधा उन्होंने चाहिए यार रजा भी बाहर नहीं हम फोन तो करा ठीक गेट के मत हाँ भले तेरा भी ना नाम खराब नहीं ना मैं भी नहीं बोला तब तक कैसे भाग गया तो बंद कर कैसे ही भाग गया हाँ ना तो क्या हमें जेनरल बहुत नेसी नहीं करनी इसमें आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से उसको वॉश किया जा रहा है। अभी वॉश जो जिस चीज़ से किया जा रहा है स्पेशली मैं आपको ये बता दूँ, वो नॉर्मल सेलाइन ड्रिप है, एनएस सेलाइन जिसको कहा जाता है, एनएस सेलाइन 1000 ml, एनएस सेलाइन 1000 ml से इसको सही तरीके से पहले वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद इसको पट्टी वगैरह की जाती है, पट्टी वगैरह का भी सही तरीके का होता है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर इसमें आपको सही तरीके से नहीं समझ में आता कि आप किस तरीके से वॉश करना चाहिए, जख्म छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई जल जाता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक मेडिसिन अलग है। पर लेकिन मैंने इस वीडियो में दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वॉश करने का तरीकेकार क्या है सही। असल ये बात होती है कि जख्म को सही तरीके से वॉश करने का तरीका बहुत ही कम लोगों को पता होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें। व्यूअर्स अपना ख्याल रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।